काम वाली बाइक। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सभी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम, जय श्री कृष्ण, सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का। और हमने खा रही एप्पल, क्योंकि मेरे को दवाई लेनी है इसलिए मैं खा रही एप्पल। तो गाइस इन सभी को हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और दवाई खानी है इनको, सिर्फ एप्पल खा रहे हैं। और दवाइयाँ दिखाता हूँ आपको, ये तो यही सिद्धार्थ भी आएगी, मेरा फास्ट है आ गया, लेकिन फास्ट मेरा भी है। ये रही मेरी, देख सकते हो आप, है ना, दोनों की। और ये रही इसकी, मतलब गाइस पता नहीं क्या हो गया, तीनों भयंकर वाले बीमार पड़ गए, हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, पूरी रात भर नींद नहीं आई तीनों को। बहुत तगड़ा वाला वायरल चल रहा है भाई। हाँ, अभी बहुत भयंकर वाला वायरल चल रहा है। गाइस आप भी ध्यान रखना अपना, सुरक्षित रहना और ध्यान रखना थोड़ा सा अपना। और आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, जगन थी वो गाइस, ये ठीक बता रही है, असली का करते हैं और इधर, लेकिन ऐसे ठीक खाएंगे कैसे इतनी दवाइयों। बनके तैयार हो गई है। और ये क्या है? ये है खाने की चीज। ओ माय गॉड, ले आ तो जल्दी बता। देखो गेस्ट करके बताओ क्या चीज है, खाने के काम आती है। बताओ, बड़े लोग खाते हैं, तू क्यों खा रहा है? कितना काम की चीज है यार, बताओ यार। रोशन भैया तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बहुत खराब हो रही है गाइस मेरी, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और दीदी ने आज बहुत मेहनत की है, पूरे दिन काम कर रहे थे, और एक पता नहीं अटपटी सी चीज़ लिया है खाने की, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाय के साथ खाने की चीज़, ये चाय के साथ, चाय में डुबो के खाने की है, डुबो खाओ उसको, पहले हल्का करो फिर खाओ। और सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे रोशन भैया। हाँ तो रोशन भैया कैसा लग रहा है? दांत एक स्क्रू ड्राइवर। तो चाय तैयार है दीदी, चाय पी लो, नखरा कर रहे थे। क्या बात है, नखरे तो जिंदगी में क्या है, नखरे ही है और क्या। आपका प्रोग्राम में मैं ट्रे देवर रेडी ने। ओके ये ट्रे आप कप, ये लो आप, कप ले लो, अपना कप ले लो। नहीं पहले मैं देखना चाहता हूँ दीदी कौन सा उठाती है। मेरा ये कौन सा वाला, लव वाला है मेरा, लव। हे भगवान, कितनी चाय पीती है बताओ यार दीदी, आप बताओ। लग रही आज मैं खाना नहीं खाई, चाय पीऊंगी भी। किस खुशी में, आज रोशन भैया ने खिलाया नहीं यार। रोशन भैया गलत बात है यार, आप ऐसे मत किया करो, आपसे बहुत उम्मीदें रहती है मेरे को। उल्टे तो आपने चला रखे, कैसे उल्टे चल रहे हैं सर यार। गाइस मैं स्कर्ट मंगवाई थी, बता दी आज, चलो आज आप स्पेशल बता दे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप सब गेस्ट करके बताना और अपना व्यू देना कि कैसी है। वाह यार, अब फिर पहन के बताऊंगी मैं, बिना पहने अच्छी लग रही, पहनो मत आप। जो मैं वो मंगवाई थी ना टी-शर्ट, उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे, सॉरी। ओके बने रहिए व्लॉग में, स्वीट से प्यारा सा रोशन भैया का व्लॉग है। देखो यार रोशन भैया, रोशन भैया की डैडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सब? गाइस इतने कमेंट करो कि ये हटाने पड़ जाए इनको, लड़की परेशान हो चुकी है ना। बात को कट करना इनसे सीखे कोई, बहुत प्यारे तरीके से कट करते हैं यार। यार गाइस देख सकते हो इस इंसान को, सो रही है बढ़िया मजे से ना, और मेरे से ना लहसुन छिलवाए ये, प्लस ये देखो इतने सारे, एक बार तो डाले ये कचरा बार। शरण तो ना इधर, नहीं खाना नहीं बनाऊंगा मैं, एक बार क्या 10 बार बनाऊंगी। और गाइस हमारे ना मतलब चीकू जो है ना छोटे वाले भाई का लड़का, तो गाइस उसके ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई, तो उसको पता नहीं कोई दिक्कत हो गई गाइस, वो बोलते हैं ना गांव में कुछ है, मतलब उसके कपड़े उपड़े चोरी हो गए या फिर कुछ ऐसे किसी का नज़र वज़र का है कुछ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ाने लग गया, बहुत परेशान रहने लग गया है ना, चमकता है रात को, रात को डरता है। मतलब गाइस पता है क्या होता है, रात को 1 बजे से 3 बजे तक वो सोता नहीं है, मतलब इतना भयंकर डरता है और रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, मतलब उसको महीना भर हो गया, तो पता नहीं किसी को पूछे उछे तो ऐसा कुछ, तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी रूम भी चेंज करवा रहे हैं उसका, तो कल रूम चेंज हो जाएगा, तो आई होप सब प्रे करना जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, हमारा तो जो भी है सब कुछ वही है, चीकू ही,
उसी को ही मानते हैं हम तो सब कुछ, सही है ना। और उसके बहुत याद भी आ रही है, वो रो रो रहा था कल, वो जाने के बाद क्या ऐसे बोल रहा था वो कि बड़े पापा, हाँ मेरी बड़ी मम्मा पापा कहाँ हैं, वो तो घर पे रह गए, मुझे वापस जाना है। गाइस मतलब है ना उससे बहुत प्यार करते हैं हम। और वो गणेश जी ने ऐसे बोले, झूठ माटे से बोला गणेश जी ने कि कल आएंगे बड़े मम्मी पापा। गाइस बहुत अच्छा है, उसकी बहुत याद आती है हमको, बहुत 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 बहुत, क्या ही कर सकते हैं। मेरे से तो बहुत प्यार करता है वो, इससे तो बिल्कुल नहीं करता, इसके पास तो जाता ही नहीं है। मेरे पास तो बहुत खेलता है, बहुत मतलब किस देता है पूरे मुंह पे इधर उधर। अब पूछता हूँ ना मैं, बेटा कौन हूँ मैं, बड्डे पापा बड्डे पापा, तो याद आ रही है उसकी, क्या ही कर सकते हैं। तो देखेंगे अब जाएंगे 2-3 दिन प्लान बना के मिलने उससे। अब तो सब्जी तो बना लो यार, इतना लहसुन छिलवा ले मेरे से, चलो चलो मैं ही नहीं जा रहा कहीं भी। और गाइस रिंग देखो इसके, अब तो डोर बनती है रिंग विंग पहन के। आप भी लाए थे क्या? मैंने दी थी बर्थडे गिफ्ट। अब देखो गाइस, अब तो गाइस सीन ऐसा है कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और एक्चुअली हम रील्स शूट करने गए थे अभी इवनिंग में, बट हुआ क्या, रील्स वहाँ पे शूट एक या दो वीडियो शूट की थी और ब्लॉग के लिए भी नहीं ले पाए, क्योंकि यही तबीयत तो ख़राब हो रही थी आपको पता है। और यहीं पास में गए थे जयपुर चौपाटी, तो इतनी भयंकर बारिश आई है, इतनी भयंकर आंधी आई है कि पूरे तो गीले हो गए, जुकाम लग रही थी पहले से, बीमार थे ऊपर से और गीले हो गए, तो हालत वैसे ख़राब हो गई थी, क्लिप नहीं ले पाए। और आज का व्लॉग भी थोड़ा सा छोटा बनाए क्योंकि कहीं जा नहीं पाए, सारे दिन रेस्ट पे ही थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत भयंकर वाली तबीयत ख़राब हो रही थी सर, इतना भयंकर घूम रहा था और मतलब खांसी जुकाम मतलब नेक्स्ट लेवल। तो दवाई ली है, दवाई से थोड़ा बहुत आराम है, बाकी आपको वीडियो में कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं होगा आज, क्योंकि आज थोड़ा छोटा बनाया, कहीं बाहर भी नहीं गए और कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं था। बट हाँ कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल कुछ अलग करेंगे, बढ़िया फन करेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत आराम भी है, रात तक और आराम हो जाएगा। तो कैसे लगी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।